अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मेरे चैनल पर वेलकम है। मैं आज आपके लिए फिर एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कीप इन माइंड, ये एक जर्नल रीडिंग है, हो सकता है आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है तो अच्छी बात है, वरना आपने इसको पूरी तरह से इग्नोर करना है। जो मैसेज आप तक आपसे मिल रहे हैं, मैच हो रहे हैं, वो मैसेज आपके लिए हैं, और जो मैच नहीं हो रहे हैं वो आप छोड़ दीजिए। आपके सामने दो पाइल्स अवेलेबल हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आपने करना क्या है, अपनी आइज़ क्लोज करनी है, अपने रब को याद करना है, और इन दोनों में से कोई एक पाइल सेलेक्ट कर लेनी है। उसी में ही आपका आंसर है। जिस पर्सन के बारे में आप सोच इंक्वायरी करना चाहते हैं, उसका चेहरा आप अपने माइंड में लेके आइए और इन दोनों में से कोई एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे सेकंड चैनल पर जाके आल जोडिक साइन की रीडिंग भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए हम चलते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाला डेक सेलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं आप उन वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे लगता है अभी आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आपकी बात नहीं हो रही, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, सम किसी किसी के लिए बात कर रहे हैं, सबके लिए बात नहीं कर रही हूँ जी, ऑन द ब्रेक हैं आप अभी। बॉटम ऑफ द डेक जो हमें मिला है वो मिला है क्वीन ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ये इंसान आपसे प्यार करता है पर अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करता, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचता है, बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स है आपके बारे में। हो सकता है ये दिखाता ना हो, शो ना करता हो, और सेम यही आपकी सिचुएशन है कि आप इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा डीप फील करते हैं, लेकिन आप अपने इमोशंस जो हैं हाइड कर लेते हैं जब इनको दिखाने की, शो करने की बारी आती है, क्योंकि आप इस इंसान से मांग रहे हैं क्लैरिटी और शायद ये इंसान इस वक्त देने के लिए रेडी नहीं है, अनडिसाइसिव है जी। टू ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, लेकिन आपको खोना भी नहीं चाहता ये इंसान, क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है, क्योंकि आप जो है इस इंसान का ट्रू लव हैं। इसकी लाइफ में जितनी भी चॉइसेस आ जाए, ये इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स जो डे बाई डे डेवलप हो रही हैं, लेकिन ये किसी सिचुएशन में स्टक है, ठीक है। आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट है, यानी कि ये इंसान, जो भी इंसान है, आपको अपनी हैप्पीनेस देखता है, वो सारी खुशियाँ जो एक मैरिज मटेरियल में देखी जाती हैं। हो सकता है कि आप इसी इंसान से मैरिज, आपकी शादी हुई भी हो, लेकिन आप किसी वजह से सेपरेशन में चले गए हैं इस इंसान से। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जेमिनी एरिस, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, यहाँ पे ये साइन पे हैं, यहाँ पे जो फायर साइन है मिस है यहाँ से। तो ये इंसान जो है क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है, इसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करे, इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। ये इंसान चूज़ तो आपको करना चाहता है, आपको टाइटली पकड़ के बैठा हुआ है, लेकिन ओपन अप नहीं होता आपके लिए, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ये आपको अपने जज्बात एहसास सब बता नहीं पाता है। अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में इसको ऐसा लगता है कि ये, अगर आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आप इनका फ़ायदा उठा लेंगे, इनकी किसी भी उसका, इस इंसान को ये लगता है। ये इंसान आपको सॉलिड ऑफ़र तो देना चाहता है, लेकिन जिस हिसाब से इंसान अभी ऑफ़र देगा आपको, वो बहुत ज़्यादा स्नेल की रफ्तार से आएगी आपके पास। तो ये इंसान आपको टाइटली पकड़ के बैठा हुआ है, किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ये इंसान वर्क के सिलसिले में आपसे दूर रहता हो, आप, ये इंसान नो डाउट आपसे प्यार करता है, नो डाउट ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील करता है, नो डाउट ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है, लेकिन हो सकता है इसकी लाइफ में दो सिचुएशंस हो, क्योंकि मुझे टू ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स ये बात बता रहा है कि आपके पर्सन कहीं ट्रैप हैं। और मुझे जब मैं शफल कार्ड कर रही थी तो मुझे जो है जस्टिस का कार्ड दिखा था, तो हो सकता है आपके पर्सन किसी किसी के लिए, जो मैरिड कपल हैं,
जो जानते हैं कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उनको छोड़ के चले गए हैं, वो लीगली कहीं फंसे हुए हैं, हो सकता है आपके पर्सन किसी वजह से किसी उस पर फंसे हुए हैं, और जो लोग सिर्फ कपल हैं और अभी शादी नहीं हुई है उनकी, तो उनके साथ मुझे लगता है मनी प्रॉब्लम्स हैं, मनी इशूज़ हैं, वो पैसों को भी टाइट पकड़ के बैठे हुए हैं, उनका सारा फोकस सिस्टम अपने पैसों पर है, अपने कैरियर पर है। लेकिन जो भी इनकी लाइफ में मसले आ जाएँ, जो भी सिचुएशन आ जाए, ये इंसान नो डाउट आपसे प्यार करता है, आपको एक अपनी हैप्पीनेस देखता है, आपके साथ अपनी खुशियां देखता है, वो सारी चीज़ें देखता है जो एक मैरिज मटेरियल में देखा जाता है। इस इंसान के दिल में आपके लिए डे बाय डे फीलिंग्स जो हैं डेवलप हो रही हैं, इतनी हो रही हैं कि इस इंसान से संभाले नहीं संभल रही हैं। लेकिन फोर ऑफ पेंटिकल और एट ऑफ सोर्ड्स ये बताते हैं कि जिस सिचुएशन में ये इंसान ट्रैप है, ये वहाँ से निकलना नहीं चाह रहा है, निकल नहीं पा रहा है, इसका बस चले तो ये सब कुछ ख़त्म करके इंसान आपके पास आ जाए, क्योंकि इस इंसान की आप अल्टीमेट जो है हैप्पीनेस है, सारी खुशियाँ ये इंसान आपके उससे देखता है। ये इंसान चाहता है कि आप इसको अपना प्यार शो करें, आप इसको अपने इमोशंस शो करें, आप अपनी फीलिंग से बताएं। ये इंसान ये सोच रहा है कि ये अनडिसाइसिव जो है, ये चीज़ ख़त्म करके आपको अप्रोच करें। ये इंसान किसी भी कीमत पर आपको छोड़ना नहीं चाहता है। ये इंसान यही सोच रहा है कि ये इंसान इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि अब ये इंसान आपके बगैर नहीं रह पा रहा है। ये जिस सिचुएशन में भी है उसको छोड़ के ये इंसान आपके पास आना चाह रहा है। और देख लेते हैं कि ये इंसान आपके बारे में और क्या सोच रहा है। इसकी लाइफ में ऑप्शंस भी हैं, क्योंकि कभी कभी हमें लवर्स कार्ड जो बताते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में जो है ऑप्शंस है, कोई एक इन्हें चूज़ करना है। टू ऑफ सोर्ड्स और लवर्स कार्ड यही बताता है कि आपके पर्सन की लाइफ में सिचुएशंस हैं कोई आपके अलावा भी। ये इंसान बहुत जल्द आपकी तरफ एक्शन लेगा, ट्रैवल करके मिलेगा। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके साथ सीरियस नहीं है, या ये इंसान आपको छोड़ देगा, आपको कमिटमेंट नहीं देगा, अभी कमिटमेंट का तो मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये इंसान आपको किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं है, भले आप कितनी देर भी सेपरेशन में रहें यहाँ पर, ये इंसान एक्शन लेगा। हो सकता है इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपके साथ पास्ट में गलत किया हो, लेकिन इस इंसान को अपनी गलती का एहसास जब होगा, ये इंसान सीधा आपको अप्रोच करेगा। इस इंसान का जो करैक्टर है, यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स निकल के आया है, तो ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा स्निकी बिहेवियर इस इंसान का, ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं देता, इन और आउट लगा के रखता है आपकी लाइफ से। फाइव ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक आया है, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। हो सकता है इनकी मदर राजी ना हो, या ये जिस सिचुएशन में ट्रैप हैं ये वहाँ से निकलना चाहते हैं और निकल नहीं पा रहे हों। ये इंसान एक पांव आपकी तरफ एक इंसान का एक और एक पांव इसका जिस सिचुएशन में वहाँ पे है। और कभी कभी ये धोखा चीटिंग फ्रॉड को भी बताते हैं, और कभी कभी ये बताते हैं कि ये इंसान अपनी फीलिंग से भाग रहा है, अपने प्यार को कन्फेस करने से भाग रहा है। ये इंसान इन और आउट आपके लिए इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा पसंद करता है, आपको अपना सोलमेट मानता है। ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, इंसान की तरफ से आपको बहुत जल्द कम्युनिकेशन मिलने वाली है। अगर आपको ये लगता है कि ये इंसान आपको छोड़ देगा, ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है आपके बीच में बच्चे भी इन्वॉल्व हों, आप लोगों का काफ़ी पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, सेवन ईयर्स, सिक्स ईयर, थ्री ईयर्स, लेकिन यहाँ पे जो मेल एनर्जी है मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा स्नीकी है, क्लैरिटी नहीं देती, आपको बहुत ज़्यादा इसने दुख भी दिया है, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। आप इतने इनसे फेड अप हो चुके हैं, लेकिन आपके दिल में इनके लिए इतना स्ट्रॉन्ग प्यार है, लेकिन आपने इसे कम तो कर दिया दिखाना, लेकिन आप फिर भी इनकी अटेंशन के लिए जो है वो तरसते रहते हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और एट ऑफ वॉन्स ये बताते हैं ये इंसान ट्रैवल करके मिलेगा, आपसे कम्युनिकेशन करेगा, और सब चीज़ें फास्ट फास्ट करना चाहते हैं ये इंसान जो भी है। तो यही ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। ये थी आप लोगों की रीडिंग, अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं रीडिंग में, बाय। हाय पाइल नंबर टू, जिन्होंने ये वाला डेक सेलेक्ट किया है, देखते हैं आपके पर्सन की, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स क्या हैं, उनके थॉट्स में क्या चल रहा है आपको लेके। अच्छा, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक इंसान है, लेकिन आप इसकी वेश हैं। पाइल नंबर वन पे अगर आप ड्रॉन हुए थे तो प्लीज़ पाइल नंबर वन भी देखिएगा। इतने लड़ाई झगड़े, गुस्सा, चीटिंग सब कुछ करने के बाद भी ये इंसान आपको अपना प्यार ऑफर करना चाहता है। आप लोग अभी सेपरेशन में हैं, आपने इनको, हो सकता है अभी आप इन्हें सही से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे आप लोग, लेकिन ये इंसान आपको अपना प्यार को ऑफर देना चाहता है। टावर मोमेंट है, आपने कुछ इस इंसान के बारे में ऐसी सडन बात सुन ली है कि आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है अचानक।
सेकेंडों में, जैसे कहते हैं सेकेंड्स में होना, इस टाइप की यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है। कुछ शॉकिंग न्यूज़ इस इंसान के बारे में आपने सुन ली हो। नाइट ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना तो चाहता है लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो। आप लोग अगर पाइल नंबर वन पे ड्रॉन हुए थे तो प्लीज़ जाके देखिए, काफ़ी सिमिलर पाइल आई है पाइल वन से निकलती हुई। तो चलिए देख लेते हैं। थ्री ऑफ वांड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सॉरी पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। बहुत अच्छी पाइल आई है ये पाइल नंबर टू जिन्होंने भी सिलेक्ट की है। थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन अच्छी पाइल है ये। आपके पर्सन का साइन यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस नज़र आ रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, पिसेस, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पे ये साइन निकल के आए हैं। ठीक है, टॉरस यहाँ से मिस है, टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न मिस है, यहाँ से ये साइन निकल के आए हैं। आपके पर्सन हो सकता है आपसे डिफरेंट कंट्री में, डिफरेंट सिटी में रहते हों। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है, आप दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा अभी जो है अच्छा वक्त नहीं गुजर रहा है। मैं जैसे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ब्रेकअप हो चुका है, आपने अपने पर्सन के बारे में कुछ ऐसी सडन बातें सुन ली जो आप बिल्कुल भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, आपके लिए शॉकिंग था। आपका अचानक से इस इंसान से ब्रेकअप हो गया, लेकिन जितनी तकलीफ़, जितना पेन आपने इस इंसान के ब्रेकअप पे सहा है, सेम इतनी ही तकलीफ इस इंसान ने भी सही है। ये इंसान कुछ क्लैरिटी लेके आपके पास आना चाहता है, सब सोर्स से ये इंसान आपको कुछ सच्चाइयाँ बताना चाहता है, कुछ ट्रूथ है इसके, कुछ ये जो ये रिवील करना चाहता है, क्लैरिटी देना चाहता है आपको। हो सकता है ये इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा इमेच्योर रहा हो, इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ की हों। जिस तरह आपको ट्रीट करना चाहिए था इस तरह से आपको ट्रीट नहीं किया, आपको मिक्स सिग्नल देता था ये इंसान। हाँ, कभी आप समझते होंगे हाँ ये मुझमें इंटरेस्टेड है, कभी आप कहते होंगे नहीं ये मुझमें इंटरेस्टेड नहीं है। कभी आप कहते होंगे कि हाँ ये इंसान मुझसे शादी करना चाहते हैं, मुझसे शादी करेगा भी, और कभी ऐसा दिखाते होंगे मुझे तो तुम्हारी परवाह नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड, कुछ इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे निकल रही है। लेकिन जो भी है, ये इंसान जो है आपके लिए विश करता है, आप इस इंसान के लिए हैप्पीनेस हैं, खुशियाँ हैं। ये इंसान उतना ही प्यार आपके लिए फील करता है जितना आप इस इंसान के बारे में फील करते हैं। ये इंसान इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। हो सकता है पहले इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो, आपने खाली इस इंसान को रिश्ते में प्यार दिया हो, अटेंशन दी हो, सकता है आपने, हो सकता है इनकी थोड़ी सी मनी वाइज भी इनको जो है हेल्प की हो, लेकिन ये इंसान अब इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है। देखें, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं तो ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, वो भी थ्रू कुछ सच्चाइयाँ हैं जो आप लोगों के बीच में रिवील होने वाली हैं। यानी कि ये इंसान जब आपको अप्रोच करेगा तो कुछ कड़वी बातें हो सकती हैं। ठीक है, आपने अगर इस इंसान को अपनी लाइफ में चाहिए या ये इंसान, तो आपने वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लोग किसी वजह से सेपरेशन में हैं तो ये इंसान इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है। ये चाहता है कि आपके इसके बीच में न्यू शुरुआत की जाए। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो वो सेपरेशन ख़त्म करके आपसे ख़त्म करना चाहता है, और अगर आप लोग कम्युनिकेशन में हैं तो ये इंसान आपसे शादी मंगनी भी करना चाहता है, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही है। ये इंसान के लिए आप एज अ प्राइड हैं, ये इंसान आपको एज अ ट्रॉफी देखता है। ये इंसान देखता है कि आपसे अच्छा ना कोई है और ना ही इनकी लाइफ में कभी आ सकता है। ये इंसान किसी भी कीमत पे आपको खोना नहीं चाहता, ये इंसान आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जो हैं, जिनके लिए आप वीडियो देख रहे हैं, वो यूट्यूबर हो सकते हैं, जहाँ पे लोग उनको बहुत यूट्यूबर, डांसर, एक्टर, कुछ इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे है। ये इंसान को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ये बात आप जानते हैं, और आपको यही देख के दिल दुखता है कि ये इंसान कभी भी आपके लिए सीरियस नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा प्यार, जैसा लव आप इस इंसान के लिए फील करते हैं, सेम यही इंसान आपके बारे में फील करता है। जो आप इसके बारे में सोचते हैं सेम इंसान ऐसा ही सोचता है। लेकिन ये टावर मूवमेंट और थ्री ऑफ वांड्स ये बताते हैं कुछ डिलेज हैं आप दोनों के बीच में, कुछ सिचुएशन ऐसी है जो आप लोग सेपरेशन में चले गए हैं, लेकिन ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करके वो चीज़ें जो है ख़त्म कर देना चाहता है। तो ये इंसान आपके बारे में यही सोच रहा है कि आपको क्लैरिटी दी जाए, आपके साथ एक रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए, क्योंकि आप इस इंसान की अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। ये इंसान चाहता है कि आप जो हैं इसके साथ अच्छा पेश आए, यानी कि अगर आप इनसे नाराज़ हैं जब ये आपको अप्रोच करें तो कोई लड़ाई ना हो,
कोई झगड़ा ना हो और आप इन्हें अच्छे से इनको ट्रीट करें, ये इंसान ये चाहता है। आप ये टावर मूवमेंट जो है भूल जाइए, इंसान चाहता है। ये इंसान कमिटमेंट तो आपको देगा लेकिन बहुत ज़्यादा सुस्त रफ्तार से आएगा। हो सकता है आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। यहाँ पर तो ब्लॉकिंग एनर्जी है। अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे, और अगर आपने ब्लॉक किया है तो ये आपसे किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करके, रॉन्ग आईडी से, फेक आईडी से, किसी तरह से भी करके ये इंसान आपसे अनब्लॉक करवाना चाहता है अपने आप को। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं रीडिंग में, बाय।